हमने एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था जिसमें गिव अवे में हमें यूनिफेस्ट में इनवाइट किया गया, तो हम लोग अभी वहीं जा रहे हैं। और अगर तुम लोगों को नहीं पता ये यूनिफेस्ट क्या है तो सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता, तो अब हमें वहीं चल के पता चलेगा कि आखिरकार वहाँ पे है क्या। और हम लोग मेट्रो से उतर के फाइव सेंसेस गार्डन है वहीं पे जा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे काफी बड़े फूड ब्लॉगर्स और अलग अलग कंटेंट क्रिएटर्स भी आएंगे। पहली बार हमें बुलाया गया है तो हमारे लिए काफी एक्साइटिंग है। चलिए देखते हैं अब क्या मिलेगा हमें। हम लोग फाइव सेंसेस गार्डन पहुंच चुके हैं, अब हमें वहां देखिए उधर की तरफ में हमें वहीं जाना है। अब यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियां खड़ी है, लगता है हम लोग लेट सेट आए हैं और बहुत सारे लोग आए हैं और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आए होंगे यहाँ पे, इन सबसे मिलने का मौका मिलेगा हमें। लेट हो गए वैसे हम लोग। हमारी अंदर की तरफ एंट्री हो गई, एंट्री होते ही क्या देख रहा है यार, यहाँ तो अभी तक कोई तैयारी ही नहीं हुई। मैंने सोचा हम लोग लेट आए लेकिन लगता है यहाँ पे ही लेट हुआ है। चलो हम लोग इधर की तरफ चलते हैं। ये देखो यार, ये सबके मिलियन मिलियन में फॉलोवर्स है। अरे ये देखो ना, ये हुक्का, यहाँ पे हुक्के बेचे जा रहे हैं, ये पीने के लिए दे रहे हैं ये लोग। अचानक से ये होस्ट पर्पल कपड़ों में हमारे सामने आया और हमसे गेम खेलने के लिए कह रहा है। पता नहीं कौन सी गेम है, गेम का नाम है ट्रेजर हंट। मैंने कभी नहीं खेला, देखने में मजा आएगा क्योंकि मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फूड सफारी जिन्होंने गिव अवे रखा था यूनिफेस्ट का, तो हमने फूड सफारी के कुछ पर्सन के साथ फोटो क्लिक्स किए। यहाँ पे अभी तक ट्रेजर हंट का गेम स्टार्ट नहीं हुआ। आपका रेफरेंस आया है तो इनको यार कुछ क्लू दिए गए हैं जिनके जरिए ढूंढने जा रहे हैं। सबके सब बाहर आ चुके हैं ट्रेजर हंटिंग के लिए। यहाँ पे सबके सब ढूंढने में लगे हुए हैं इस वक्त। कुछ बंदे यहाँ पर हैं, कुछ बंदे इस तरफ हैं, कुछ बंदे बाहर की तरफ हैं। ये सब उस तरफ जा रहे हैं ढूंढने के लिए। फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। जो गार्ड्स यहाँ पे खड़े हैं इन्होंने हमें अंदर जाने से मना कर दिया। इन्होंने बोला एक तरह का पैंट पहन के आना है जिसपे लिखा होगा VIP, तभी हमें अंदर आने जाने देंगे। इसमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। इस बैंड के ऊपर VIP देख के बड़ा अच्छा लगा। गेम काफी ज्यादा आगे जा चुका था। जो बंदे जीते थे उन्हें स्टेज पे बुलाया गया है किसी भी गाने पे डांस करने के लिए। स्किप एड होने वाला है गाइस। ऑलराइट गाइस, फॉर शोर ऑन एवरीवन। अरे यार कोई एसी चला दो यार। सही है सही है। मजा ही मजा है ब्रो। चलो शुरू करते हैं। Can we skip to the good part? सबसे ज्यादा मजा तो इस सीन में आया। नहीं सिर्फ ऑडियंस के लिए था यार, ऑडियंस को ये चाहिए था बस ये। और इस बंदे को क्या ही सॉन्ग दिया था यार। इसके बाद सरदार जी ने भांगड़ा करके दिखाया। ये देखो मैं इतनी दूर से आराम से बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। प्रीमियम वाले बंदों को कुर्सी दी गई थी यानी हमें। अब इसके बाद यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी शुरू हो गई। लाइव स्टैंड अप कॉमेडी मैं पहली बार देख रहा हूँ। आप लोगों में से किसी ने भी लाइव स्टैंड अप कॉमेडी देखी है? नहीं। आपने देखी? किसको देखा आपने भाई? सबको देखा। तो नाम ले लो, मुजरे वाले थोड़ी है ना। अच्छा एक आपने बता, सबको देखा हमने, ऐसा देखा बिल्कुल इज्जत से कोई बात नहीं करता यार स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर। मैंने किसी से पूछा है कि भाई देखिए नहीं देखी, कह रहा देखिए कईयों को देखा मैंने, जाकिर वाकिर को देखा एक, इसने फिर भी जाकिर बोल दिया मेरे को। एक बंदा कहता, कह रहा एक बंदा काला सा है। कोई तमीज नहीं है क्या? मतलब एक इज्जत से बता दो कि समझ रहे हो। फिर इसके बाद अगला स्टैंड अप कॉमेडियन आ गया। जस्ट ऊपर की हक तक नहाओ, टाइम बचेगा आपका, ऊपर से मेरा रूममेट। फिर हम लोग बाहर आ गए कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि इतनी देर यार भूखे बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट तो दिख रहे थे, अभी भी वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है। हम लोग बोर हो गए थे वैसे। हम लोग यहाँ पे पिज्जा ले रहे हैं। Give it up for the Hindu college.
यहाँ पर अब अचानक से फैशन शो शुरू हो गया है। इन सभी में मुझे सबसे बढ़िया ये बीच में जो झाड़ू वाला बंदा है, मुझे यही लग रहा है। इस बंदे की याद आए माहौल ही अचानक से चेंज हो गया। ये बंदा कितना बढ़िया है, ये नहीं ये जो साइड में खड़ा हुआ, हाँ ये बंदा कितना बढ़िया है, कितना आराम से खड़ा है। What goes around comes around. उसके बाद हमारा पिज्जा रेडी हो गया तो हम लोग यहाँ पिज्जा खाने के लिए आ गए। तो यहाँ पे मैं एक पिज्जा की स्लाइस लेके पिज्जा खाते हुए अपनी तेज आंखों का इस्तेमाल करके दूर तक देख रहा हूँ नजारे। माहौल चेंज कर दिया, अब यहाँ पे भांगड़ा होने वाला है। अभी तक भांगड़ा ही हो रहा है और काफी अच्छे तरीके से हो रहा है टांग उठा के। काफी रात हो गई इसलिए हम लोग जल्दी निकल रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं और अभी भी अंदर की तरफ भांगड़ा चल ही रहा है। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और हम लोग ज्यादा रात को रुक नहीं सकते क्योंकि अपन के पास गाड़ी नहीं है। अपन के पास बड़ी गाड़ी मेट्रो वाली। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी है और हमें इस फेस्ट में इन्वाइट किया गया था तो हमने आके यहाँ पे सारा एक्सप्लोर किया, सारी चीजें हमने आपको दिखाई है। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। खाने पीने की ज्यादा चीजें हम कवर अप नहीं कर पाए क्योंकि हमें बहुत जल्दी हमें जाना था। और ब्लॉगर्स के लिए यहाँ पे फ्री, अगर आप खुद से आते हैं यहाँ पे तो उसमें चार्जेबल है जिसके लिए आपको कूपन लेना पड़ेगा। और आप चाहे तो बुक माई शो से अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब बहुत ज्यादा रात हो गई, अब हम लोग रात को घर जा रहे हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हम लोग यहाँ पहली बार आए थे।